गोरक्षनाथ मंदिर के महंत हैं योगी। कौन होता है महंत? महंत एक शुद्ध आचरण का व्यक्ति होता है, जो समाज को गलत करने से रोकता है, जो किसी से ईर्ष्या ना करता हो, जो किसी के दुख से दुखी होता हो और सुख में आनंदित महसूस करता हो, हमेशा सत्य वचन का पालन करता हो, जो वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखता हो, जिसे सांसारिक वस्तुओं से कोई लाभ या मोह नहीं होता। किसी मठ मंदिर या किसी धार्मिक समाज का तभी तो वो मुखिया होता है। और जब किसी व्यक्ति का आचरण इतनी विशेषताओं से परिपूर्ण होता है तो वो तो पूजनीय होता ही है। और जो पूजनीय होता है उसके सामने चप्पल पहन कर नहीं बल्कि नंगे पैर जाया जाता है। और यही किया प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। जी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बुधवार को पहुंचे थे लखनऊ के सीएमओ ऑफिस और चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रशिक्षण निदेशालय का उन्होंने दौरा किया। ग्राउंड फ्लोर से डिप्टी सीएम पाठक ने चेक करना शुरू किया तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ गंदगी ही मिली। अल्ट्रासाउंड के पीसीपीएनडीटी कमरे का निरीक्षण किया, फाइलें देखी, कर्मियों का हाजिरी रजिस्टर भी जांचा। इस दौरान बाबू की कई हाजिरी एडवांस में लगी दिखी। इसी के साथ ही सीएमओ ऑफिस में रखी कुर्सी के पीछे का हिस्सा फटा देखकर सीएमओ मनोज अग्रवाल को इसे ठीक कराने का निर्देश दिया। कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन के तारों के मकर जाल को देखकर सही कराने के लिए कहा। कार्यालय स्टाफ को भी निर्देश दिया, जहां बैठकर काम करते हैं कम से कम वहां तो साफ सफाई का ख्याल रखें। अलमारी के बीच में रखे कुर्सी के पाए को देखकर डिप्टी सीएम ने पूछ लिया कि इसकी जरूरत क्या है। पुराने पड़े कंप्यूटर के कीबोर्ड को देखकर पूछा, ये यहां क्यों पड़ा है, खराब है तो हटवा दे। इसके अलावा आप कार्यालय की गंदगी की कहानी सुन परेशान हो जाएंगे। डिप्टी सीएम दो खुद वहां जांच करने के लिए पहुंचे थे। निदेशालय में आरओ के पास लगे सिंक में गंदगी देखी तो जमकर खरी खोटी सुनाई। खराब फॉल्स सीलिंग को भी सही कराने के लिए कहा। पूछा कि अब तक ये काम क्यों नहीं कराया। निरीक्षण के दौरान कॉरिडोर में उल्टी पड़ी कुर्सी देखी तो पूछ भी लिया कि यहां ऐसे ही रहती है क्या। खराब पड़ी मशीनों को खुद ही हटाकर देखा, बोले भाई ये कबाड़ यहाँ क्यों इकट्ठा है। फाइलों का ढेर देखकर उसके बारे में भी पूछा। डिजिटलाइजेशन के जमाने में ये सब कुछ डिजिटलाइज करने को कहा। ऑफिस में बंद पड़ी पुरानी घड़ी को भी हटाने को कहा। पूछा कि इसमें समय कैसे देखते हैं। कई फाइलें निकाल कर डिटेल चेक की। स्टाफ से कहा मामले बिल्कुल भी लंबित नहीं होने चाहिए। ऑफिस का ये हाल देख डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वैसे ही गुस्से से तमतमाए हुए थे कि इतने में उनकी नजर पड़ गई सीएम योगी की तस्वीर पर। मुख्यमंत्री के कार्यालय में ही लगी मुख्यमंत्री की तस्वीर पर जब ब्रजेश पाठक की नजर गई तो वो और ज्यादा नाराज हो गए। सीएम योगी की तस्वीर पर जमी धूल ने उन्हें और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। उन्होंने अफसरों से कहा कि मुख्यमंत्री की तस्वीर पर ही गंदगी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ब्रजेश पाठक ने चप्पल उतारी कुर्सी पर खड़े होकर और फिर खुद अपने हाथ से साफ कपड़े से सीएम योगी की तस्वीर को साफ किया। ये आदर और सम्मान प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, जो कि एक महंत भी है। देखिए तस्वीर में मुख्यमंत्री की तस्वीर को साफ कर रहे हैं ब्रजेश पाठक। तस्वीर के आसपास लगे जाले को भी साफ कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के दौरे से साफ है कि वो इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। वो बाबूगिरी करने वालों को सबक सिखाना चाहते हैं। सरकारी कार्यालयों की भी सूरत बदली हुई देखना चाहते हैं और साथ ही देखना चाहते हैं कि प्रदेश के मुखिया का सम्मान हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री की कद्र हो। उनकी तस्वीर हमें हमेशा साफ और चमकती हुई दिखनी चाहिए। वैसे आप डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के इस दौरे से क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है, क्या सरकारी बाबुओं पर ब्रजेश पाठक की इस डांट डपट का असर होगा या फिर मामला जस का तस ही रह जाएगा? लेकिन इन बाबुओं को ये समझना होगा कि योगी 2.0 का राज अभी शुरू हुआ है, ये कार्रवाइयां अभी शुरू हुई हैं। और ब्रजेश पाठक जिस तरह से अलग अलग सरकारी कार्यालय और कभी कभी सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं, ये होता रहेगा तब तक जब तक इन लोगों की सफाई में रहने की आदत नहीं पड़ जाती। वैसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के इस एक्शन और सीएम योगी को दिए गए उनके मान सम्मान को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।